हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं सूर्यपान सिंह राजपूत और मेरे साथ हैं हर्ष मालव सर। और आज हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, दैट शुड आई प्रिपेयर फॉर जेईई एडवांस एंड नॉट। ऑलराइट एवरीवन, अभी क्योंकि आपका एग्जाम अभी जस्ट खत्म हुआ है और का एक महीने बाद आपका जेईई एडवांस का पेपर है, तो ये टाइम आपके लिए कितना क्रूशियल है ये आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। लेकिन क्रूशियल भी एक रेफरेंस है, किसके लिए क्रूशियल है किसके लिए नहीं है, तो आज पूरी बातों का हम खुलासा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ें, हजारों बच्चों ने हमारा RCC 3.0 जो है वो एनरोल कर लिया है। ऑलराइट एवरीवन, सो डोंट मिस योर चांस टू गेट एनरोल्ड इन दिस बैच अगेन व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of September। नीचे दिए गए लिंक पे आप जरूर क्लिक करें ताकि आप RCC पे पहुंच पाए। ठीक है, ये एक बहुत ही शानदार कोर्स है प्यारे बच्चों। इसके अंदर आपको एडवांस लेवल तक के सारे प्रॉब्लम के साथ साथ एडवांस के कंसेप्ट को भी सिखाया जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। और कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट्स इतने ज्यादा क्रूशियल है बेटा आपके लिए, अगर आप एक एक पॉइंट को सही से नहीं देखेंगे तो शायद आपको जवाब ना मिले कि आपको प्रिपेयर करना है या नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, एम आई कॉन्फिडेंट एनफ और नॉट। देखिए, जिंदगी में जो भी आपको करना है उसके लिए सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, मान लीजिए आपने 2 साल प्रिपरेशन नहीं की है, मतलब पिछले 1 साल से भी प्रिपरेशन नहीं की है, तो इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन दैट यू शुड नॉट गो फॉर इट। मान लीजिए आपको अगर लगता है कि क्या मैं अगले 1 महीने में एडवांस निकाल सकता हूं, यार ये इसका आंसर है भाई, ऑब्वियस ही बात है, जिसने थोड़ी बहुत चीजों को पहले आइडिया होगा, कोई स्क्रैच से नहीं निकाल सकता 1 महीने में एडवांस। तो अगर आपको पहले से कुछ आइडिया है, पहले से आप 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे एडवांस के लिए, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, एकदम मास्टर कर रखा है आपने कुछ एक सर्टेन पोर्शन ऑफ सिलेबस को, देन ओनली यू विल हैव अ कॉन्फिडेंट फॉर आस्किंग इनफ दैट शुड आई क्लियर जेईई एडवांस और नॉट। सो दैट फर्स्ट पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, डू आई हैव सफिशियंट टाइम। अभी कई बार होगा, सर मेरे को 2-3 चैप्टर तो आते हैं पर 2-3 चैप्टर से बेटा एडवांस नहीं निकलने वाला है, राइट? तो आपके पास अब उतना समय नहीं है, वो समय का वो ब्रैकेट नहीं है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो बेटा, आप नए चैप्टर्स को पढ़ के और एकदम एग्जाम को फोड़ पाओ। ठीक है, तो आप बैठिए, एक कॉपी कलम उठाइए और देखिए, लिखिए कि भाई मुझे कितनी चीजें आती हैं, तो आपको दिल से खुद एक आवाज आ जाएगी छोटे कि नहीं यार मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट एवरीवन, आगे के 2 पॉइंट आपको हर सर के साथ बता दें। हेलो एवरीवन, जैसे कि सर ने आपको 2 पॉइंट्स के बारे में बताया, एम आई कॉन्फिडेंस इनफ और डू आई हैव सफिशिएंट टाइम। तो सबसे पहली बात तो मन में विश्वास होना चाहिए कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। क्यों सर, बहुत जरूरी चीज है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कि हम कर पाएंगे तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। जैसे अगले पॉइंट की बात करें तो डू आई हैव डेप्थ नॉलेज ऑफ सिलेबस, है ना। अब यहां पे बात की गई है, क्या हमें डेप्थ नॉलेज है सिलेबस की। अब सिलेबस का मतलब ये नहीं कि पूरे सिलेबस की बात कर रहे हैं, सिलेबस का मतलब है कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स की बात करें। जैसे कि अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, फंक्शनल इक्वेशन के सवाल हो गए क्योंकि फंक्शनल इक्वेशन इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ IIT, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर 3D, अगर इन टॉपिक्स पे हमें मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट अगर अच्छे से कमांड है, वी आर हैविंग वेरी गुड कमांड ऑन दिस सब्जेक्ट, या वी आर हैविंग अ डेप्थ नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक्स, अगर ये चीजें हमें अच्छे से आती है। क्यों सर, हर टॉपिक में, फिजिक्स में भी अगर बात करें तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अगर आपको उन टॉपिक्स की डेप्थ तक नॉलेज है, इनस्पाइट ऑफ बाकी टॉपिक्स अगर आपको कम आते हैं या थोड़े से प्रो लेवल तक भी आते हैं तो चल जाएगा, बट अगर ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक्स अगर आपको अच्छे से आते हैं तो डेफिनेटली आपको तैयारी करनी चाहिए, डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हैं अगर आपने इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, क्योंकि सिलेबस एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है। देखो, सबसे पहले आपने अपने आप से पूछा क्या मुझे कॉन्फिडेंस है, सबसे पहले मन में सवाल आया हाँ कॉन्फिडेंस है, दूसरा आपने पूछा क्या मेरे पास सफिशिएंट टाइम है। तो टाइम की बात करें तो टाइम देखिए 1 महीने का टाइम एग्जैक्टली, अगर आप काउंट करेंगे यू आर हैविंग एग्जैक्टली 1 मंथ, तो टाइम तो सफिशिएंट है, पर टाइम सफिशिएंट होने से पहले ये अपने अंदर झांकने की जरूरत है, क्या हमें उतना सिलेबस आता है कि नहीं आता। अगर उतना सिलेबस आता है तो आपको करना चाहिए। अब जैसे आखिरी पॉइंट की बात करें, माय मॉक टेस्ट स्कोर, है ना। माय मॉक टेस्ट स्कोर का मतलब ये हुआ, अगर आपने अभी तक कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो सबसे पहले तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, 6 घंटे का मॉक टेस्ट दीजिए और अपने आप को एनालाइज कीजिए कि क्या मैं उसमें कितना परसेंट स्कोर कर पा रहा हूं। क्यों सर, परसेंट स्कोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर अपन बात करें कि आपका 15% या 10% ही स्कोर कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा या चैलेंजिंग सिचुएशन होगा। और अगर अपन बात करें कि अगर आपका मोर देन 20% आ रहा है हर टेस्ट में, 20-25% आपका स्कोर आ रहा है, then definitely you should have a very good knowledge. आपके पास knowledge है, बस
कमियां होती है थोड़ी सी जिनको इंप्रूव करने की जरूरत होती है ना, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती है वो इंप्रूव करने की जरूरत होती है, तो डेफिनेटली 20-25% से आप 40% तक पहुंच सकते हैं क्योंकि आपके पास इतना सफिशियंट टाइम है अभी। पर बात यह है कि एक प्रॉपर गाइडेंस की, क्यों सर, अगर प्रॉपर गाइडेंस अगर एक महीने बच्चा अगर ढंग से फॉलो करे तो डेफिनेटली वो रॉक कर सकता है। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यार मैं घर पर बैठ के सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ और सेल्फ स्टडी से मैं जे एडवांस को क्रैक कर सकता हूँ इतने कम टाइम में, जो कि जिसकी स्कोर मॉक टेस्ट में 20% या 15% ही आ रही, तो क्या लगता है आपको कि पॉसिबल है ये चीज़ करना सर? बिल्कुल सर बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो 20% बच्चा स्कोर कर रहा है मॉक टेस्ट में, पर उसको अगर एक गाइडलाइन मिल जाए एक गाइड के द्वारा, मतलब समझ रहे हो ना, कोई आपके पास होना चाहिए बताने वाला कि भाई अगले 20 दिन तेरे को ये चीज करनी है, ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके लिए जैसे कोर्सेस होते हैं सर, तो जैसे हमारा RCC कोर्स है दैट यू कैन ऑब्वियसली ज्वाइन। पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन आपको लग गया, जिस समय से लग गया कि अगर आप 20-25% से ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो दैट्स अ डेफिनेट थिंग दैट यू कैन गो फॉर क्रैकिंग इट। पर उसके लिए ये सारे सवाल आपको बार बार पूछना जरूरी है, जैसा कि हर सर ने बताया, डू आई हैव डेप्थ नॉलेज ऑफ सिलेबस एंड ऑल, राइट? तो आपने 20% स्कोर तो कर लिया है लेकिन आपको बेसिकली डेप्थ नॉलेज सर कितनी परसेंट, मुझे लगता है 60-70% से तो ऊपर की होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर, डेफिनेटली होनी चाहिए, इतना नॉलेज होगा तभी तो वो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। अच्छा एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं आपको बता रहा था प्लांट स्टडी के बारे में, दैट इज वेरी नेसेसरी। देखो आपको डेली अगर शेड्यूल्ड काम मिले वो कितना ज्यादा जरूरी है, अगर मान लीजिए आपको डेली के इतना काम करना है, मुझे डेली 30-30 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट पे करने हैं, और दैट इज प्री डिफाइंड, वो पहले से डिफाइंड है ना, वो प्री डिफाइंड अगर पहले से, तो डेफिनेटली आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे जी एडवांस में। अगर आप ये सोच रहे कि हम घर पे बैठ के ये चीजें बहुत इजीली कर पाएंगे, तो पहली बात तो आप ये नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव अ रेगुलर प्लान। रेगुलरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना, रेगुलरिटी हमारे होने चाहिए, अगर आप रेगुलरिटी ला सकते हैं अपने पढ़ाई में तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सारी बातों को अगर आप देख रहे हैं, इन सारे पैमानों पे अगर आप खड़े उतर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको तैयारी करनी चाहिए, है ना? जैसे कि एम आई कॉन्फिडेंस इनफ, आई हैव सफिशिएंट टाइम, सिलेबस की बात मैंने आपको बता दी, पर्टिकुलर टॉपिक ऐसे, आप इतने इंटेलिजेंट इनफ है कि आप जानते हैं कि जे एडवांस के लिए कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अगर आपको एनालाइज करना है तो एक चीज से और एनालाइज कर सकते हैं, जैसे मॉक टेस्ट हो गया, ये तो एक एनालाइजेशन का पैमाना हो ही गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, एग्जैक्टली सर, PYQ की बात करने वाला था, बिल्कुल सर सही पकड़े आप। तो PYQ की बात करें, तो PYQ अगर आपसे हो रहे हैं, इफ यू आर Capable enough to crack PYQs, अगर आप PYQ कर पा रहे और बहुत स्मूथली कर पा रहे, तब तो मेरे प्यारे बच्चों बिना सोल्यूशन नहीं देखना, हाँ ये चीटिंग नहीं। तो अगर आप ऐसा कर पा रहे तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट, आप बिल्कुल उसको क्रैक कर सकते हैं। तो आई विल एंड विद माई वर्ड्स, है ना, मैं आपको बस इतना से कहना चाहूंगा, वी विश वेरी गुड बेटर फ्यूचर फॉर यू, है ना, ब्राइट फ्यूचर आपका हो, ATP स्टार टीम की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत विशेस करता हूँ। बाकी एंड करेंगे सूर्यपान सर, तो बस इतनी सी बात है बच्चों, एक महीना बचा है, एकदम जाल लगा दो, जान फूंक दो, एंड मोर ओवर बेटा कीप ऑलवेज स्माइलिंग, ऑल राइट एवरीवन, आपका स्माइलिंग रहना बहुत जरूरी है, तभी आप चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हो। और सर अपन एक लास्ट में एक बात बोलते हैं, ATP का नारा आजकल, अच्छा अच्छा ATP का नारा, ड्रीम इट एंड विन इट विद ATP स्टार।